नमस्कार, मैं संजय अम्बेडकर, आप देख रहे हैं भीमराज दस्तक चैनल। इस समय मैं ग्राउंड रिपोर्ट में उतर चुका हूं और 51 लोकसभा फूलपुर में हूं। यहां पे बसपा प्रत्याशी जगन्नाथ पाल जी चुनाव लड़ रहे हैं। अभी हमारे साथ में बैठे हैं बसपा से मंडल प्रभारी साबिर सिद्दीकी जी। इनसे बातचीत करेंगे, क्या माहौल है मुस्लिम समाज का, क्या लग रहा है सर, मुस्लिम समाज किधर जा रहा है? देखिए, मुस्लिम समाज पूरी तरीके से बहुजन समाज पार्टी की ओर है, क्योंकि मुस्लिम समाज इतना ठगा गया है समाजवादी पार्टी से और वहाँ कोई हिस्सेदारी नहीं मिलती। अगर हिस्सेदारी कोई देता है तो माननीय बहन जी देती हैं। अभी आप उत्तर प्रदेश में ही देख लीजिए, 23-23 टिकट दिया हुआ है माननीय बहन जी। लेकिन मुस्लिम समाज अभी भी सपा के साथ? मुस्लिम समाज कतई सपा के साथ नहीं, मुस्लिम समाज साइलेंट होकर इंतजार कर रहा है। हमको मौका, चुनाव वाली तारीख, जिस दिन चुनाव होगा उस दिन हाथी के सामने वाली बटन दबा के पूरी तरीके से बहुजन समाज पार्टी को पूरा समर्थन दे के माननीय बहन जी को प्रधानमंत्री बनाने जा रहा है। मुस्लिम समाज को काफ़ी टिकट कम देती है जो है समाजवादी पार्टी और वोट लेना जानती है। देखिए, समाजवादी पार्टी सिर्फ वोट लेती है। मुस्लिम समाज के जहाँ जहाँ से भी सांसद होते थे, चाहे माननीय मुलायम सिंह जी रहे हो चाहे अखिलेश यादव जी रहे हैं, वहाँ अपने परिवार को भेज के मुस्लिम समाज को साइड कर देते हैं, यही इनका तरीका है। और पूरी समाजवादी पार्टी में मुस्लिम समाज को पूरे प्रदेश में सिर्फ 4 टिकट दिया हुआ है। और समाजवादी पार्टी यादव को भी नहीं देती, सिर्फ यादव परिवार, मुलायम सिंह परिवार लड़ता, बाकी यादव को भी नहीं। इसलिए आज यादव भी खफा है और बहुजन समाज पार्टी की ओर जाने की ओर एकदम तैयार है। मुस्लिम समाज की बात करें तो मुख्तार अंसारी के मामले में जो है अखिलेश यादव ने नाम तक नहीं लिया और उन्होंने ट्वीट किया। भाई, अखिलेश यादव तो कहाँ आजम खान से भी मिलने नहीं गए, जब असदुद्दीन ओवैसी पहुंचे हैं, जब वहाँ भीड़ लगी तो अखिलेश यादव तो दाढ़ी टोपी से नफरत करते हैं। मुस्लिम समाज की कहाँ बात करेंगे, उनको तो मुस्लिम समाज से नफरत है। इस चीज़ को मुस्लिम समाज देख रहा है पूरी तरीके से, बस ऐसे बैठा हुआ है चुनाव के इंतजार में। जिस दिन बटन दबाने का मौका आएगा, हाथी के सामने की बटन दबा के समाजवादी पार्टी को उसके कुकर्मों का जवाब जरूर देगा। जिस तरह से आप बसपा का समर्थन दे रहे हैं, क्या बसपा आपके लिए, मुस्लिम समाज के लिए क्या की है? बसपा ने तो मुस्लिम समाज के लिए सब कुछ किया है। अगर बसपा राज्यसभा में 6 लोगों को भेजती है तो 2 मुस्लिम चेहरा भेजती है, माननीय मुनकाद अली साहब अब और सालिम अंसारी साहब को भेजती है। बसपा अगर जब हिस्सेदारी की बात आती है, सबसे ज़्यादा मुस्लिम समाज को हिस्सेदारी देते, चाहे 17 का चुनाव रहा हो चाहे 22 का चुनाव रहा हो, बसपा में ही मुस्लिम सांसद ज़्यादा हुए हैं, चाहे अभी हुआ, सबसे ज़्यादा मुस्लिम समाज को बसपा सम्मान और टिकट दोनों देती है। लेकिन दानिश अली जो है बसपा से इस्तीफा देके इंडिया अलायंस में? देखिए, दानिश अली बसपा के विचारों पे थे ही हट गए। जब बसपा के विचारों से जब कोई हट जाएगा तो बसपा का उससे कोई लेना देना नहीं रहेगा। दानिश अली को माननीय बहन जी ने सबसे पहले सदन नेता बनाया था सांसदों का, उसके बाद सांसद भी बनाया, मगर दानिश अली क्या किए, बहुजन समाज पार्टी में रहते हुए कांग्रेस की तरफ उनका मन हो गया था। तो बहुजन समाज पार्टी में जो रहेगा तो बहुजन समाज पार्टी के रीत नीति पे चलना पड़ेगा, और बहुजन समाज पार्टी के रीत नीति पे कोई नहीं चलेगा तो बहुजन समाज पार्टी का हो ही नहीं सकता। वर्तमान में भाजपा सरकार में मुसलमानों पर काफ़ी अत्याचार हो रहा है, लेकिन बसपा सरकार में कैसे लगता है? देखिए, बसपा सरकार में मुसलमानों के साथ एक भी अत्याचार नहीं हुआ, और पूरा पश्चिम की तरफ देख लो, जहाँ देख लो मुसलमानों का सम्मान होता था। हाँ, बहुजन समाज पार्टी में अगर किसी को दिक्कत है तो माफियाओं को दिक्कत है। माफिया तो भाई समाज के लिए अच्छे हैं नहीं, किसी समाज के हो वो, उनका कोई समाज नहीं होता। बाकी मुस्लिम समाज का बहुत इज्जत और सम्मान रहा है बहुजन समाज पार्टी। समाज के लिए क्या संदेश देना? मुस्लिम समाज के लिए यही संदेश देना चाह रहे हैं, ये मौका है अपनी इज्जत आबरू बचाने का और बच्चों का भविष्य बनाने का। अगर बच्चों को भविष्य भी बनाना है, इज्जत आबरू भी बचाना है, तो माननीय बहन जी को प्रधानमंत्री बनाना पड़ेगा। माननीय बहन जी प्रधानमंत्री बनेंगे तो संविधान का राज रहेगा, कानून का राज रहेगा, और संविधान में बाबा साहब ने सबको एक बराबरी का अधिकार दिया है। बहुजन समाज पार्टी को किस लिए सर्व समाज वोट देगा या क्या रणनीति? बहुजन समाज पार्टी सर्व समाज की पार्टी है, सर्व समाज के लिए बहुजन समाज पार्टी योजनाएं लेती है, काम करती है, संविधान लागू करती है। संविधान में बाबा साहब ने सबके लिए बराबर का अधिकार दिया है। बहुजन समाज पार्टी सबके लिए बराबरी सोचती है, ऊंच नीच नहीं सोचती बहुजन समाज। बीएसपी का लॉ एंड ऑर्डर कैसा लगा? बीएसपी का लॉ एंड ऑर्डर तो अगर विरोधी से भी अकेले में बैठ के बात करेंगे तो तारीफ ही करता है। बहन जी के जैसा लॉ एंड ऑर्डर पूरे देश में कोई नहीं चला पाया है, और इस देश की बागडोर सिर्फ बहन जी ही संभाल पाएंगी। भ्रष्टाचार अगर ख़त्म करना है तो एक ही नाम है, माननीय बहन जी। इंडिया अलायंस वाले कह रहे हैं हम आ रहे हैं। इंडिया अलायंस वाले तो भाई भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है, दोनों मौसेरे भाई हैं ये कह लीजिए, यही तो हो रहा है। भाई अखिलेश यादव जी भारतीय जनता पार्टी के साथ चाय भी पीते दिखते हैं,
और उनके घर भी जाते वो भी जाते हैं, तो कौन है रिश्तेदारी तो वो निभा रहे हैं ना भैया। मान्य बहन जी कोई रिश्तेदारी नहीं, मान्य बहन जी की अगर रिश्तेदारी है तो देश की जनता के साथ है, सर्व समाज की जनता मान्य बहन जी की रिश्तेदार है। साबिर सिद्दीकी जी का कहना है कि समाजवादी पार्टी और जो इंडिया अलायंस है भाजपा की बी टीम है और मुस्लिम समाज बहुजन समाज पार्टी के साथ है, माननीय बहन जी को प्रधानमंत्री बनाने जा रहा है। वीडियो अच्छा लगा हो तो दबा के शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।